The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. बहुत लोगों को लगता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको सिम्टम आएगा, आपको पता चल जाएगा, आपका सर दुखेगा, आपकी नस फटेगी या आपके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, मगर ये सच नहीं है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जब कोई इंसान दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो वो इंसान का ब्लड प्रेशर जो होता है वो 180 से लेके 160 से लेके 220 तक भी जा सकता है दौड़ते वक्त। जैसे ही वो रुकता है, ब्लड प्रेशर तुरंत आता है नीचे और नॉर्मल आ जाता है अगले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, किसी का हर एक का अलग अलग हिसाब से, क्योंकि आपके बॉडी एडजस्ट कर लेती है। तो 120 से लेके 220 तक भी, 320 तक भी अगर किसी का ब्लड प्रेशर चला गया तो उस हाई ब्लड प्रेशर से ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सिम्टम होगा। जैसे आप दौड़ते हो, दौड़ने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि नस फट जाती है या कोई सिम्टम होता है या कुछ पता चलता है, ओह माय गॉड ये तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसा नहीं। सो ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से ज़्यादातर, यानी कोई सिम्टम नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। कुछ लोगों को सिम्टम हो सकता है, उनको एक्चुअली जो सिम्टम होता है वो ब्लड प्रेशर के वजह से नहीं होता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ बहुत देर तक रहता है, जो बहुत ज़्यादा हाई रहता है उसे कहते हैं मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। उस केस में फिर आपको वो जो जगह पे जाने वाले, जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ वहाँ डैमेज होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें जैसे आपके दिमाग में प्रेशर हाई होगा तो आपको सिवियर हेडेक हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा देर तक ब्लड प्रेशर हाई रहे मेलिग्नेंट हेडेक में, आपको सिवियर हेडेक, सर में दर्द, नौशिया, वॉमिटिंग, उपकाई, उल्टी आना, आपको कन्फ्यूजन, आपको विजन में प्रॉब्लम, दिखाई देने में प्रॉब्लम, आपको नाक में से ब्लीडिंग, ऐसी चीज़ें हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर से। लेकिन वो होगा जब हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी देर तक काफ़ी हाई होगा, इमीजिएट हाई की वजह से ऐसा नहीं होता। या ज़्यादातर लोगों को ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता, तो रेगुलर ब्लड प्रेशर गिनते रहना ज़रूरी है, वरना क्या होगा, ऑर्गन डैमेज होगा और फिर आपको सिम्टम आने शुरू होंगे। तो ब्लड प्रेशर को गिनेंगे कैसे, डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम देखते रहना। 18 साल की उम्र के बाद सबको देखते रहना चाहिए, बीच बीच में कभी ना कभी। अगर आपको एक भी बार ब्लड प्रेशर हाई है, स्ट्रेस है या कोई भी रिस्क फैक्टर है जो हमने बताए हैं पहले, तो आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो रोज़ाना ब्लड प्रेशर चेक करके लिस्ट बनाएं, एक रीडिंग लिखें और याद रखें कि ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटर है उसको जाके डॉक्टर के पास ज़रूर एक बार रीचेक करें और डॉक्टर को भी ब्लड प्रेशर लेके रीचेक कराएं, डॉक्टर से लेके। और आपको जब भी ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, शांत मन से, रिलैक्स होके ब्लड प्रेशर लेना है। चिंतित मन से या कहीं जाने की जल्दी दौड़ भाग वाले हिसाब से ब्लड प्रेशर लेंगे तो हाई ही आएगा, राइट? इसको या हाई वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास कुर्सी पे आके बैठता है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि वो डर जाता है अब डॉक्टर क्या कर देगा, क्या लिख देगा, क्या बीमारी बता देगा, तो दैट इज, और बीपी पता नहीं कितना आ जाएगा। तो इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। इसीलिए घर पर मॉनिटर करना, रिलैक्स स्टेट में मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है, राइट? इसीलिए ये करना जरूरी है। इसके अलावा आपके और भी जांच करनी जरूरी है ब्लड प्रेशर के साथ, कहीं आपको हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई अब तक, इसलिए ECG, इकोकार्डियोग्राफी, हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है तो लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग 12 घंटे फास्टिंग, किडनी की बीमारी तो नहीं है तो बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, यूरिन का पैनल, किडनी का पैनल, अल्ट्रासाउंड, पेट का, इन सब की बहुत ज़रूरी जांच की आवश्यकता है। याद रखिए आपका जो गोल है वो है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर आपका नीचे नॉर्मल रेंज में रहे,
हमारा ब्लड प्रेशर खत्म नहीं करना होता है नॉर्मल रेंज में, मतलब 120-80 या उससे थोड़ा नीचे रहना चाहिए। गोल ये है, जो एथलीट्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर लो होता है, धड़कन लो होता है, क्योंकि वो कंडीशनड होते हैं, उनके हार्ट, उनकी बॉडी कंडीशनड होती है, राइट। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर 120-80 या 130-80 के नीचे है तो यू आर ओके, यू आर गुड, ऑल यू नीड इज डाइट एंड एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर है तो आपको हो सकता है, अगर लगा ये बात हो रही है ज्यादातर केस में, ज्यादातर केस में अगर 130 से ऊपर है तो आपको दवा लेनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी डाइट, एक्सरसाइज, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड, लो सॉल्ट डाइट पे, या डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन वाला हमारा वीडियो था, वो भी देख सकते हैं, वो वाली डाइट लेके आप कुछ महीने, कुछ हफ्ते ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हो। याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर ब्लड प्रेशर की दवा दी भी जाती है तो सबके लिए एक बराबर नहीं होती है। आपकी उम्र, आप कौन कौन सी दवा ऑलरेडी ले रहे हो, आपके और रिस्क फैक्टर क्या है, आपको कौन कौन सी दवा दे सकते हैं, इस पर डिसाइड होता है कि आपको कहीं हार्ट की, किडनी की, दिमाग की, डायबिटीज़, कोई और बीमारी है या नहीं। सबके लिए एक दवा नहीं होती, लेकिन कई दवाई हैं जो बहुत लोगों में दी जा सकती है, राइट। सो हमेशा याद रखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 या 80 उससे नीचे है, 120 और 80 के ऊपर है, तो यू आर गुड। सिर्फ डाइट अच्छी रखिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, मेडिसिन नहीं चाहिए आपको 120-80 या 130-80 के नीचे। 130-80 के ऊपर है तब सोचा जाता है ज़्यादातर केसेस में, और 130 से 140 के बीच में जब होता है उसे स्टेज वन हाइपरटेंशन कहते हैं। इस स्टेज में आपका ट्रीटमेंट बेस्ट होता है कि आप रिस्क फैक्टर मैनेज करें और कुछ दिन देखें, हो सकता है दवा की जरूरत पड़े, हो सकता है ना पड़े, दैट योर डॉक्टर विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क फैक्टर्स, कि अब तक कितना डैमेज है, अब तक क्या सिम्टम है, उसके बेसिस पे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं तो डाइट, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन 140 के ऊपर आपको जरूर दवा लेनी पड़ेगी। अगर आपका 140 के ऊपर मोस्ट लाइकली, मतलब ज़्यादातर केसेस में ही रहता है, तो याद रखिए, फाइनल अपना डायग्नोसिस या खुद को डायग्नोस करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिले, कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मिले, अपने तरफ से या फार्मासिस्ट से लेके दवाई नहीं खानी है, खुद का नुकसान खुद नहीं करना है, राइट। थैंक यू।